हाय, मैं हूं सोनाली बेंद्रे. दिस इज इंडियाज बेस्ट डांसर. सब्सक्राइब टू लिव म्यूजिक चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर परफॉर्मेंसेस. और अब क्या दादा, क्या कह रहे हो आप? कुछ ऐसे इशारा करके क्या कह रहे हो आप? विशाल की तरफ घूम जा तू. विशाल सर, मजा आ जाएगा जी. मजा आ जाएगा. ये इसके ऊपर अगर एक रॉकिंग परफॉर्मेंस हो जाए दादा, मजा. अब ऊपर चढ़ने का मौका मिला तो आते हैं यार. ये कीजिए बात. के नीचे खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल. तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल. गुलाबो जरा इत्र गिरा दो. गुलाबो जरा इत्र गिरा दो. निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाई ढाई ढाई. झूठा बजाना मुझको सुना के चाल बिछाया वाई वाई. झूठा बजाना मुझको सुना के चाल बिछाया वाई वाई. गुलाबो जरा इत्र गिरा दो. गुलाबो Thank you. I just want to say genuinely, you guys, top 7 ho, top 6 ho, aage jaake jo bhi ho, you guys are the best of the best. Aapke saath mein yahan hona is a big honor for me. Aray, thank you. आज विशाल सर से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि जब कोई रिक्वेस्ट करे गाने के लिए तो दिल से करना चाहिए, खुल के करना चाहिए और पूरा करना चाहिए. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये जरूर सीखेगा, जिसको रिक्वेस्ट कम आती है ना वो खुल के गा देता है. जिसको हर मतलब हर मोड पे 500 लोग मिल जाते हैं कि गाना दादा एक गाना गा दो, दादा एक गाना, वो थोड़ा सा चल बे ऐसा होता है. आज पूरा शो में इससे सीखेंगे. मैं अगेन दुनिया से ऐलान करना चाहता हूँ, इंडियन आइडल में मैं सीनियर जज हूँ. आता इसका मतलब क्या है, तू मेरे को रैगिंग करेगा? बिल्कुल करेंगे सर. रैगिंग का तो हक बनता है मेरा. उसका हक बनता है. तो मैं 20,000-22,000 गाना गा के रखा हुआ है, 40 साल से गा रहा हूँ, इंडियन आइडल मैं कितना रैगिंग कर सकता हूँ इसको? इंडियन आइडल पे तो ये सीनियर है भैया. इंडियन आइडल पे सीनियर है. सीनियर है. देखो रैगिंग रैगिंग की बात मत करो, ये इंडियन आइडल के जज है, वहाँ पे सीनियर है, लेकिन इंडियाज बेस्ट डांसर पे सानुदा सीनियर है. 3 बार आ चुके. क्या बात है. इंडिया बेस्ट डांसर में मैं सीनियर. ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे. आ जाओ मेरे गिरगिट. गिरगिट गिरगिट की तरह रंग जो बदलता है. जो कभी चतुर कभी क्यूटी. आ जाओ समर्पण गिरगिट लामा. जजेस, इस हफ्ते समर्पण की कोरियोग्राफर भावना इंजरी की वजह से उनके साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज उनका साथ निभाने आए हैं कोरियोग्राफर प्रतीक उत्तेकर, जिन्होंने आज समर्पण का एक्ट कोरियोग्राफ भी किया है. तो इंडिया टॉप 6 में अपनी जगह बनाने के लिए आ रहे हैं इंडिया का सीएम यानी कि चतुर मिनिस्टर पुणे महाराष्ट्र से समर्पण लामा और इनके कोरियोग्राफर प्रतीक. जोरदार तालियां हो जाए. सुपर्ब डांसर. यार समर्पण, तू हमेशा फोन में पड़ा रहता है, कभी तो अपने भाई के लिए वक्त निकाला कर.
भैया फोन को लेकर आप मुझे हर बार टोकते रहते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। आपको इतनी ही तकलीफ है ना मेरे फोन से और मुझसे, तो मुझे थोड़ी देर भी आपके साथ नहीं रहना। दिल चरखे की एक तोड़ोरी, सूफी इसका रंग है, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा, सोने लो थोड़ी देर और ठहर जा। हेलो समर्पण, हाँ आई एम सॉरी बट आपके भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। है क्या ये जो मैं नकली दुनिया की बजाय असली दुनिया में अपनों से नाता जोड़ लेता, पर आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, अपनों को अपनों से जोड़े रखो, वरना मेरी तरह आप भी इसी कैद में हमेशा के लिए बंद जाओगे। जो आज का मुद्दा था एंड जिस तरीके से आपने दिखाया उसको क्रिएटिवली भी, वो हम तक पहुंचा, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉप, नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इमोशन। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है? At the end of the day, dance is motion? No, dance is emotion. It's emotion, energy in motion. Samarpan, you are energy in motion. Nice. This is... समर्पण, आपके बारे में आज के परफॉर्मेंस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे कलाकार हो। हर कोरियोग्राफर के साथ ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई नया कोरियोग्राफर आके ज्वाइन किया। सो इट्स अमेजिंग व्हाट अ गुड आर्टिस्ट यू आर, नॉट ओनली चतुर, यू आर नॉट ओनली चार्मिंग, यू आर नॉट ओनली क्लेवर, बट यू आर अ क्यूट हार्ट फॉर अलाउइंग पीपल टू कम एंड वर्क विथ यू। So there are so many qualities that make you worthy of the top six. So God bless you. All right then, ab bari hai scores ki. 27. Thank you so much. तो आपको बता दूं समर्पण कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका अभी तक का टोटल होता है 91. मुझे इंडियाज बेस्ट आंसर बनाने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिब ऐप, और माय पीपल आई रियली 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 लव यू, सो प्लीज वोट फॉर समर्पण लामा। ऑलराइट, याद रखिए माय पीपल, वोटिंग लाइंस आज रात 12 बजे तक ही खुली हुई है, सो वोट नाउ।
तो समर्पण तेरे को पता है ना कि पिछले दो हफ्ते के माय पीपल के वोट्स आ चुके हैं। यस सर। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है माय पीपल हैव वोटेड फॉर मी। हाँ ओके। दे लव मी। मुझे पता है ऐसे जैसे चिट्ठी भी आती है तो ऐसा लगता है कि हाँ दे विल वोट फॉर मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका ये बिलीव सही नहीं है। जनता के वोट्स के मुताबिक समर्पण पिछले दो हफ्ते के वोट्स के आधार पर समर्पण आपको जनता ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर नंबर वन वोटेड हाईएस्ट कंटेस्टेंट बना दिया है। समर्पण लामा। Congratulations! My people, I love you. अरे नहीं यार। मुझे बहुत सारे मैसेजेस तो आते थे कि हाँ वोट आई हैव वोटेड फॉर यू वोटेड, लेकिन हाईएस्ट यानी कि मतलब सारे कंटेस्टेंट में से मेरे को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो ये बात मेरे को हजम हो के मैम क्या बोलूँ। समर्पण ये डाइजेस्ट भी हुआ और तुमने पीछे भी गया था एक बार, पता नहीं पिछले ही गए थे। हजम हो गई बात। समर्पण एक बात कहूंगी, माय पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर माय पीपल इफ यू वांट टू मेंटेन दिस पोजीशन। यस आई विल आई विल डेफिनेटली डू माय बेस्ट। You all the best. Thank you so much. Thank you so much, Prateek. Thank you so much. Thank you. Please take a seat. Thank you. चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले परफॉर्मर की तरफ। तो जजेस आज कुछ अलग तरीके से हम हमारे परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके। तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के बचपन की और आपको गैस करना है। मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगा। Okay. देखते हैं कौन गैस कर पाता है। तो चले रेडी आप? एब्सोल्युटली। ये कौन हो सकता है? जजेस खुदा गवाह का ये बादशाह खान लगने वाला बच्चा असल में डांस का बादशाह है। बचपन में इनका फेवरेट खिलौना था लट्टू, इनका फेवरेट पटाखा था चकरी। ये इकलौता डांसर है जो बड़े होके स्टार नहीं बल्कि पंखा बनना चाहता था यानी कि फैन। यहाँ तक कि इनकी फेवरेट मिठाई भी थी जलेबी। तो चलिए फिर बताइए कौन है? शिवांशु। क्या बात है। सो इंडिया बचपन स्पेशल में प्रेजेंटिंग डांस का छप्पन वोट सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक। तुम्हें याद है ये हमारा सबसे प्यारा दोस्त था। तुझे देख देख सोना। क्या बात है। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क 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 जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क।
यहां से कमर गए, जोरदार ताले हो जाए विवेक एंड शिवांशु के लिए। कुछ भी कहने के पहले आई वांट टू से कि आज का जो एक्ट था इट्स कॉल्ड अ ब्लैकआउट स्पेशल। यहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं किया गया है, लाइव जा रहा है ये, तो सबको ये जानना जरूरी होगा कि कैसे हुआ वो टेडी बेयर, कैसे हुआ वहाँ पे सब चीज़ें ब्लैकआउट में, काले कपड़े पहन के, काला मास्क पहन के, फुल्ली ब्लैकआउट, जो कैमरा को दिख नहीं सकता है, उन पूरी टीम खड़ी है और वो जो मूविंग चीज़ें हैं जो हवा में उड़ रहे हैं उसको उड़ाने वाले भी कोई इंसान है वो दिख नहीं रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अगेन एन इल्यूजन, ये एक माया है। सो आई अप्रिशिएट कि एक लाइव शो में ऐसा एक परफॉर्मेंस दिखाना इज सुपर्ब विवेक, बट बचपन इज ऑल्सो अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट यू नो फीलिंग, अरे यार याद थे वो क्या क्या माहौल था, हम कैसे खेलते थे, तो वो इमोशनली चीज़ें, सिर्फ वो चार चीज़ें, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो यू नो स्कूटर हो, वो दिखाने या उसको यू नो उड़ा कर मज़ा नहीं आता। इट्स अबाउट एक इंसान का कनेक्ट उस टेडी बेयर के साथ क्या है। सो इल्यूजन अच्छा था बट इमोशन कंप्लीट नहीं था। विवेक मुझे लगा कि अगर आप बचपन की चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो मे बी देयर कुड हैव बीन मोर एलिमेंट्स, क्योंकि वो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो मुझे थोड़ा सा खल गया। शिवांशु यू आर वेरी गुड, मेरी ग्रीवियंस आज सिर्फ विवेक से है एंड एज यूजुअल आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही। थैंक यू मैम, आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। मुझे आज आप में ग्रोथ नजर आई, बिकॉज आज की ये ग्रोथ एक रिस्क थी, जो आप लेसन इससे सीखोगे वो लेसन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आपका टोटल होता है 25। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.